नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल क्रीम में। फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा करें। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, पूछा गया था उसमें द शेयर एनफोर्समेंट इन RCC इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। शेयर एनफोर्समेंट पूछ रहा है RCC में क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रजिस्ट करता है शेयर एनफोर्समेंट। ठीक है, तो क्या रजिस्ट करता है वो, डायगोनल टेंशन को। डायगोनल टेंशन को जो मेरा शेयर एनफोर्समेंट क्या करता है, रजिस्ट करता है। ठीक है, कभी कभी एंगल पूछ रहा है तो याद रखें, अगर टेंशन में पूछेगा तो 45 डिग्री होगा, अगर कंप्रेशन में पूछेगा तो 135 डिग्री होगा। ठीक है, जो बीम मेरा है, ठीक, ये बीम है, न्यूट्रल एक्सिस हो गया बीम का। ठीक है, जो हमारा क्रैक पड़ता है यहाँ पे, ये क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से इंक्रीज करता है, और जैसे न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाएगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये एंगल जो बनेगा 135 बनता है, ये एंगल जो बनता है 145 बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नया क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्टेप इन ए स्टेयर केस इज नोन एज। अगर आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन का नाम बताइए जो स्टेयर में होता है। ठीक है, तो हम बताए थे अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में। ठीक, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया राइज, ये ट्रेज, ये राइज ट्रेड। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन ये है, ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, फिर से याद रखेंगे, कभी कभी पिच पूछता है, ये पिच कितना होता है, तो याद रखेंगे पिच दो होता है मेरा, फिर 40 डिग्री होता है, याद रखेंगे ये भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट इन सेफली सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइड टू डिस्ट्रीब्यूट। कर यहाँ पे ये बताना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन जो एनफोर्समेंट होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, टेम्परेचर स्ट्रेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बस श्रिंकेज स्ट्रेस को भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑल ऑफ द अबव, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूट एनफोर्समेंट होता है वो मेन बार के, ठीक, मेन बार के हमेशा राइट एंगल पर लगाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताएं क्यों लगाते हैं, ये सबको रजिस्ट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द थिकनेस ऑफ द, ठीक, टॉपिंग ऑफ द रिप स्लैब। रिप स्लैब का पूछ रहा है, ठीक, रिप स्लैब में टॉप का जो थिकनेस कितना लेते हैं, ठीक है, कितना किसके बीच में वेरी करता है मेरा रिप स्लैब। अगर बात करेगा रिप स्लैब में, तो रिप स्लैब में जो हम टॉपिंग का थिकनेस लेते हैं, याद रखेंगे वो 5 से लेके 8 के बीच में होता है। ठीक है, 5 से लेके 8 सेंटीमीटर के बीच में होता है उसका थिकनेस ऑफ टॉपिंग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, बट ये आप याद रखेंगे रिप स्लैब के लिए बस है। ठीक है, अगर फ्लैट स्लैब का थिकनेस पूछेगा तो याद रखेंगे 12.5, ठीक, 12.5 सेंटीमीटर इतना होता है किसके लिए, फ्लैट स्लैब के लिए। यहाँ पे रिप स्लैब पूछा है इसलिए ये होगा। ठीक, 5 से 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार यूज इन द रिप स्लैब। देखिए यहाँ पे रिप स्लैब के कंडीशन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर बताइए बार का कितना होता है। तो रिप स्लैब के कंडीशन में पूछेगा तो जो हमारा एनफोर्समेंट का डायमीटर होता है वो होता है 22। ठीक है, 22। अगर फ्लैट के कंडीशन में पूछेगा तो याद रखेंगे 16 mm। ठीक है, दोनों पे ध्यान देंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द लाइन पासिंग थर्ड पॉइंट ऑफ 0 डिक्लिनेशन इज नोन एज। अगर उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पे क्या 0 डिक्लिनेशन पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोगोनिक। नहीं, आइसोगोनिक उसे कहते हैं जहाँ पे सेम डिक्लिनेशन हो, क्या हो, सेम डिक्लिनेशन हो। ठीक, उसे हम कहते हैं क्या, आइसोगोनिक। ठीक, और एगोनिक किसे कहते हैं, जो 0 डिक्लिनेशन पास, उसे एगोनिक कहते हैं। ठीक, एगोनिक लाइन हो गया 0 डिक्लिनेशन, और सेम डिक्लिनेशन को हम कहते हैं क्या, आइसोगोनिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, मेन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कंटूर लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट इंडिकेट। पर कंटूर लाइन जो मेरा, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या है, मिल रहे हैं, तो ये किस कंडीशन में होंगे। अगर हम बात करेंगे ओवर हैंगिंग की, तो ओवर हैंगिंग में क्या होता है, ठीक है, ओवर हैंगिंग में जो कंटूर खींचे जाएंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है, काटेंगे। तो ये एजम्पशन है कंटूर का, लेकिन आप जानते हैं कंटूर एक दूसरे को काट नहीं सकते, बट एक ऐसा एजम्पशन है ओवर हैंगिंग का
इसका ओवरहैंगिंग के केस में एक दूसरे को एक काट सकते हैं, बट यहाँ पे पूछता है एक बिन पे मिलते हैं तो किस में होगा, ये वर्टिकल क्लिप पे होगा। वर्टिकल क्लिप में देखेंगे सारा बिंदु जो है एक ही पॉइंट पे, ठीक है, जितने भी बनेंगे सारे इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक बिंदु पे इंडिकेट करेंगे, इसे हम कहते हैं वर्टिकल क्लिप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ठीक इन्वॉल्व इन द फाइब्रिकेशन ऑफ आर्टिकल्स प्लास्टिक, ठीक, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं फाइब्रेशन के केस में, ठीक है, तो हमारा है टेम्परिंग को हम क्या करते हैं उसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द इन एक्सेज मेक द सीमेंट अनसाउंडेस एंड केज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसगेट, बताना है यहाँ पे कि किसके कारण है, किसके एक्सेज के कारण जो मैं सीमेंट है अनसाउंड हो जाता है, किसके कारण है, एल्यूमिना या सिलिका मैग्नीशिया लाइम, तो लाइम के कारण जो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो सीमेंट है वो क्या हो गया, अनसाउंड हो गया, ठीक। किससे हम चेक करते हैं तो याद रखेंगे लीचेट लिया एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसे हम क्या करते हैं अनसाउंड चेक करते हैं, ठीक। अगर हम बात करेंगे कि विकाट ऑपरेटर से हम क्या चेक करेंगे तो विकाट ऑपरेटर से याद रखेंगे हम सेटिंग टाइम को, ठीक, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल जो होता है ठीक वो कितने mm डायमीटर से चेक किया जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आर यूज द फिनिशिंग कंक्रीट सरफेस सच राइड फ्लोर रोड स्लैब्स स्टेशन प्लेटफॉर्म, और उस वाइब्रेटर का आप नाम बताइए जो ठीक फ्लोर रोड स्लैब इन सब की जगह पे ये यूज किया जाए, तो उस वाइब्रेटर को क्या कहते हैं, तो सरफेस वाइब्रेटर कहते हैं। जो हमें क्या काम करता है ये सरफेस वाइब्रेटर जो है ठीक है स्लैब के लिए फ्लोर के लिए ठीक है स्टेशन प्लेटफॉर्म जो बनता है उसके सरफेस पे चला जाता है जिससे हमारा क्या हो ठीक एयर वाइट कम हो उसकी डेंसिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इन रेट एनालिसिस द यूनिट ऑफ मेजर इंडिया डब्ल्यू सी यानी कि वाटर क्लोज साइज 580 mm, ठीक है आपको बताना है एनालिसिस यहाँ पे एस्टिमेट का क्वेश्चन है। कह रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताइए वाटर क्लोज का हम किस में लेते हैं, तो किस में लेते हैं वो नंबर में लेते हैं। आपने देखा होगा वाटर क्लोज जो होता है ठीक है, तो वाटर क्लोज जो होता है उसे हम किस में लेते हैं नंबर में लेते हैं, एक वाटर क्लोज दो वाटर क्लोज ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर में कब मेजर करेंगे देखेंगे जिसमें दो डायमेंशन आए, टू डायमेंशन जिसमें आएगा उसे बोलेंगे स्क्वायर मीटर, ठीक है, जैसे प्लास्टर हो गया ठीक, ये सब रोलिंग शटर हो गया ऐसे, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे केजी की भी बता देते हैं। केजी जो होता है हमारा ठीक है जो ब्लास्टिंग मटेरियल होता है उसे हम केजी में मेजरमेंट करते हुए पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि इन केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट, मान लीजिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है ठीक, ए कंटेन अमाउंट टू द एक्सटेंड ऑफ अबाउट 1.5 से 2%, क्या हो गया वो एक्सटेंड हो गया है 1.5 से 2%, तो इस्टीमेट ऑफ द कौन सा इस्टीमेट आप प्रोवाइड करेंगे ध्यान देंगे, तो रिवाइज इस्टीमेट क्या होता है ठीक है, सप्लीमेंट्री इस्टीमेट क्या होता है, एनुअल इस्टीमेट क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। तो रिवाइज इस्टीमेट का मतलब हो गया क्या हो गया, जो हमारा मटेरियल है ठीक वो क्या होगा बढ़ गया घट गया या लेबर चार्ज ऐसे कुछ, ठीक। यहाँ पे वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, यही होता है वो ठीक है जो क्या हो जिसकी अमाउंट जो है ठीक है एक्सटेंड कर जाए 1.5 से 2%, तो इस कंडीशन में हम वर्क चेंज इस्टेब्लिशमेंट इस्टीमेट को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, ये हमारा सरफेस टेंशन का ये फार्मूला होता है। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर जो होता है वो सरफेस टेंशन का यूनिट है। और सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है ये सोचता है हम क्या करें मिनिमम एरिया को ऑक्यूपाई करें, ठीक है, इसीलिए बारिश की बूंद जो है गोल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौर द स्केल इफेक्ट इन मॉडल कैन बी ठीक, अब देखिए स्केल के बारे में पूछा है, स्केल जो होता है उसका मॉडल कैसे हो सकता है ठीक, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है या बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम बात करेंगे स्केल का इफेक्ट का, तो ये जो होता है नेगेटिव भी हो सकता है और
पॉजिटिव भी हो सकता है, बोथ कंडीशन देखेंगे यहाँ पे, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है स्केल जो हमें देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, इन द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड द प्रेशर फोर्स। ऐसे देखिए यहाँ पे पर स्क्वायर रूट दिया गया है, ठीक है, ध्यान देंगे इसका इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स और उसके बाद प्रेशर फोर्स। तो ये याद रखें, ये किसका रेशियो है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई प्रेशर फोर्स, तो उससे हम कहते हैं यूलर नंबर, ठीक है। यूलर नंबर ही बताता है इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स को, ठीक। रिलान नंबर जानते हैं किसको बताता है, इनर्शिया फोर्स और किसको, रिलान नंबर, ठीक। तो इलास्टिक, ठीक है, मैक जो होता है ये साउंड, जहाँ पे मैं साउंड को मेजर करना है तो वहाँ पे मैक नंबर यूज करते हैं, ठीक है। फोर नंबर जो होता है मेरा इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर जो किसको एग्जिस्ट करता है आपको बताना है, ठीक। फ्लोर ऑफ रियल फ्लूड इसी को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये जो हमारा जो बाउंड्री लेयर है किसको एग्जिस्ट करता है, वो फ्लोर ऑफ रियल फ्लूड को क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक। इस कंडीशन फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूड इसको नहीं एग्जिस्ट करता है, फ्लो ओवर फ्लैट किसी को नहीं एग्जिस्ट करेगा, एक इसको बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करता है, फ्लो ऑफ द रियल फ्लूड को एग्जिस्ट करता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स, ठीक, एक्सपीरियंस बाई ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्लूड स्ट्रीम आर ड्यू टू। तो ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग फोर्स पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स, लिफ्ट फोर्स यानी उठा हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स के बारे में किसको एक्सप्रेस करेगा, देखेंगे यहाँ पे। तो ड्रैग फोर्स जो होता है हमारा, ये क्या है, एक प्रकार का प्रेशर फोर्स हो गया जो नीचे से लगाया गया, और लिफ्ट फोर्स मेरा हो गया, ठीक। ये पूछा किसको एक्सप्रेस करेगा, तो प्रेशर फोर्स एंड विस्कोसिटी, ठीक, इसी को क्या करेगा, ये ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स जो है एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्लूड, ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले फ्रेंड्स जो वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ठीक, आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलिए अब इसका आंसर बताइए। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में आपको बताना है जो मेरा हेड लॉस होता है, लॉस ऑफ हेड अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है। तो आपने फार्मूला पढ़ोगे हेड लॉस का, हेड लॉस इक्वल टू क्या आता है, 4FL, ठीक, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD। तो यहाँ पर देखिए हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा मेरा वेलास्टी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन एट ए वेल इज नोन। जो मेरा डिस्चार्ज होता है यानी कि डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन, ठीक, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसी को हम बोलते हैं, ठीक, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन रिजर्वायर में द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपने रिजर्वायर देखा होगा, ठीक है, तो रिजर्वायर की कंडीशन में पूछ रहा है जो मिनिमम पूल लेवल होता है इसी को मिनिमम पूल लेवल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेस हो गया मेरा, कह रहा है इसकी भी मिनिमम पूल लेवल जो होता है इसको बिलो नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, डेड स्टोरेज, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस पानी को हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, ये पानी जो है यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे इक्वापोरेशन जो डिटरमाइन, किससे जो है डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पे, ठीक, तो पेन से, किसके पेन से, ये ओपन पेन से, याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे लेसीमीटर, तो लेसीमीटर कंडीशन बताएंगे किसमें हम मेजर करते हैं लेसीमीटर को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व में बताना है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस ये वीडियो में बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो ट्रांजिशन कर्व के लिए होता है, वही होता है क्या, स्पायरल एंगल का थर्ड होता है, यानी स्पायरल एंगल बाई 3, यही हमारा जो देखने को मिलेगा ट्रांजिशन कर्व में, ठीक, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। विच आर द फॉलोइंग रीव फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे रीव फार्मूला अगर बात करें, तो रीव फार्मूला से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है,
डिटरमाइन करते हैं, जैसे कहीं पे आग लग गई, ठीक है, इस कंडीशन में हम पानी की क्वांटिटी को ज्ञात करते हैं, तो बताएंगे यहाँ पे री फार्मूला का कौन सा है, तो क्यू इजकल टू क्या होता है, क्यू इजकल टू सी, ठीक है, यम के पावर 2/3, ये री फार्मूला है। अगर इसी के एक डेकन फार्मूला होता है, उससे भी हम यही निकालते हैं क्वान्टिटी ऑफ वाटर, तो होता है मेरा क्या, सी एम के पावर 3/4, क्यू इजकल टू सी इंटू एम के पावर 3/4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यहाँ पे री पूछा है इसलिए हो जाएगा एम के पावर 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहे क्रिटिकल पाथ क्या होता है, ये सीएमईडी का क्वेश्चन है, बताएंगे क्रिटिकल पाथ जो होता है, ठीक, वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, आपने देखा होगा सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, आपने बनाया होगा ऐसे, ठीक, और देखा होगा सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहे विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा यहाँ पे एक्सवेटर हम मोस्ट यूज करते हैं, ठीक है, डिगिंग अंडर वाटर, अंडर वाटर के नहीं, अंडर वाटर में डिगिंग करने के लिए, तो कौन सा ऐसा एक्सवेटर हम यूज करते हैं, तो याद रखेंगे ड्रैग लाइन जो होता है, कौन सा ड्रैग लाइन जो होता है उसी को हम यूज करते हैं अंडर वाटर में डिगिंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। चलिए बताइए आप, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ टू इट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारा क्या एरिया, इन दोनों को रेशियो हम क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।